तो जी हाँ, रोमन रेंस बहुत जल्द अपना सब कुछ गंवाने वाले हैं। तो सब कुछ गंवाने का मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस अपने रियल लाइफ में सब कुछ गंवाने वाले हैं, वो सिर्फ WWE के स्टोरी लाइन में सब कुछ गंवाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए जो कि पॉल हीमैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है, जहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हीमैन मौजूद हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्टूनिस्ट पिक्चर है जहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हीमैन मौजूद हैं, और ये सिम्पसन के कार्टून में ये कैरेक्टर बनाए गए हैं, जहाँ पर पीछे लिखा हुआ है एक्नॉलेज दी ब्लड लाइन। तो ये चीज़ सिम्पसन के कार्टून के कैरेक्टर में बनाई गई है, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिम्पसन के प्रेडिक्शन कितनी मर्तबा सच हुई है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक्नॉलेज दी ब्लड लाइन तो लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हीमैन के अलावा दी ब्लड लाइन का कोई भी मेम्बर हमें देखने को नहीं मिल रहा, जहाँ पर सोलो सिकोवा, जिमी जेउसो, ना ही यहाँ पर सेमी ज़ेन देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिला था। रोमन रेंस की जो टी शर्ट पहनी हुई थी रोमन रेंस ने, वहाँ पर सिर्फ हमें पॉल हीमैन और रोमन रेंस ही देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्रिडिक्शन तो यहाँ से सच होती हुई दिखाई गई है। और अब बात करते हैं दूसरे प्रिडिक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ भी मिस कर रहे हैं, और वो है WWE चैम्पियनशिप। तो आप देख सकते हैं रोमन रेंस के पास सिर्फ एक चैम्पियनशिप है, और वो है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और ये पिक्चर भाई पॉल हीमैन ने पोस्ट की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो शायद हमें आगे फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस अपनी WWE चैम्पियनशिप लूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन हमें सच होते हुए दिखाई दे सकती है। और इस चीज़ को देखकर लगता है कि बहुत जल्द शायद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज़ अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज़।